अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं कहूंगी आई डोंट सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. कोई उम्मीद नहीं है इसमें. इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान का बजट या अकाउंटेंट बनाते हैं या बैंकर्स बनाते हैं. तो ये बजट विच हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ रोड मैप फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ, इट फॉल शॉर्ट ऑन मेनी फ्रंट्स विच शैल नॉट बी इग्नोर्ड. तो बात यह है कि ऐसा बजट जो कि वजीर खजाना साहब को मैं क्या बहुत तारीफ करूंगी कि उन्होंने IMF की विश लिस्ट, उन्होंने एक इम्पोर्टेड बजट यहां पर प्रेजेंट कर दिया. हमारी एक मुअज्जज़ रुकन मेहताब अकबर राष्ट्रीय ने कल मशवरा दिया कि ये इतने किताबचे मत छपवाएं. मैं भी ये कहूंगी, उनको इंडोर्स करूंगी कि जी इसके बजाय एक डिजिटल वक्त है, आप एक डिजिटल हमें दे दें, कोई फ्लॉपी डिस्क जिसमें जो है कुछ तो अखराजात बचेंगे. अब इस बजट के बारे में अगर मैं ये बात करूं कि इसके अंदर जिस किस्म का एम्बिशियस रेवेन्यू कलेक्शन दिया गया है वो गैर हकीकी लगता है. यानी FPR टू अचीव 40% इंक्रीज, 9.3 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन. मुझे नहीं लगता कि ये अहदाफ जो है ये हासिल हो सकते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ अदाद और शुमार से ना खेलें. आपको चाहिए ये था कि आप एक इकोनॉमिक विजन को सामने रखते, पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए कि थोड़ा सा तालीमी मेयार को बेहतर बनाए, इकोनॉमिस्ट लेकर आए, इकोनॉमिस्ट का कंसोर्शियम बनाए जो कि पाकिस्तान को एक विजन तो दें, एक फोरसाइट के साथ एक रोड मैप तो दें, अवाम को कोई उम्मीद तो दें. ये जो इंपोर्टेड बजट है इसका कफारा पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे, इसकी कॉस्ट पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे. इसी तरीके से ये जो एस्टिमेट किया गया है 48% जो टैक्सेस है वो 48% जो रेवेन्यू है वो इन डायरेक्ट टैक्सेस से आएगा और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से. ये सिर्फ सिटीजन्स को बर्डन करेगा, ये मजीद जो है हम अब महंगाई का बोझ डालेगा आवाम के ऊपर. इसी तरीके से 1500 बिलियन का जो एक एस्टिमेशन ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, ये भी गैर हकीकी नजर आती है. फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ कैश सरप्लस और ₹1200 बिलियन फ्रॉम प्रोविंसेस. मैं नहीं समझती कि ये जो है प्रोविंसेस इनका ये ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे. प्रोविंसेस के अपने अखराजात हैं, प्रोविंसेस अपने डेवलपमेंट करना चाहते हैं. तो इनको तवज्जो देनी चाहिए थी कि जो बजट पेश कर रहे हैं इसका ये मकसद नहीं है कि आप IMF को खुश करें, आप कर्जा ले लें. ये कर्जा तो आपने अदा नहीं करना, ये कर्जा तो पाकिस्तान के अवाम ने अदा करना है. इसी तरीके से जो महंगाई का तखमीना लगाया गया है वो भी गलत है कि 12% नहीं होगी. पेट्रोल लेवी अभी से बढ़ गया है, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है और उसका बोझ भी है अवाम पे पड़ेगा. बिजली की कीमत में इजाफे से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसका इंपैक्ट हर जो है उस फील्ड पर, हर सेक्टर पे आएगा. फिर ये कहा गया कि जी जो है वो सैलरीज बढ़ा दी हैं, लेकिन सैलरीज के साथ साथ आपने टैक्स भी तो बढ़ा दिया है. और जो सैलरीज बढ़ाएंगे उसमें मैं क्या समझती हूँ, जो सरकारी इदारे हैं वो तो 2 से 5% है सैलरीड क्लास. जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में हमारे वो मीडिया पर्सन भी हैं जो कि प्राइवेट मीडिया हाउसेस में काम करते हैं. क्या हुकूमत इंश्योर करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को भी वो इंक्रीज मिलेगी या वो सिर्फ टैक्सेस का बोझ जो है बर्दाश्त करेंगे? यानी जो 2019 में जिसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी आज उसकी तनख्वाह टैक्सेस के बाद सिर्फ 33,000 रह गई है और फिर वो तनख्वाहें वक्त पर मिलती भी नहीं है. तो मैं ये कहूंगी कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है? दीज आर द फंडामेंटल राइट्स के लाइफ और लाइवलीहुड वो जो है इंश्योर करे, लेकिन वो जो है हुकूमत जो है ये इंश्योर करने में नाकाम है. इसी तरीके से इंपैक्ट ऑफ राइज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नेप्रा ने जो है वो नया टैरिफ इंपोज कर दिया है जिसके अंदर जो है वो 72% फिक्स चार्जेस हैं और 28% जो है वेरिएबल चार्जेस है. तो ये बोझ भी जो है पाकिस्तान के अवाम उनके ऊपर पड़ेगा. फिर हेल्थ के ऊपर जिस तरीके से जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट और उससे रिलेटेड डिवाइसेस की कीमत बढ़ाई गई है, उसने तो जो हुकूमत की जिम्मेदारी है टू इंश्योर हेल्थ ऑफ ऑल द सिटीजन्स उसके ऊपर जो है मैं समझती हूँ अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो चुकी है. अब जो है
अब जो इलाज कराने जाते हैं उसमें 40% जो है वो तो आता है ट्रीटमेंट का, 60% जो है वो सिर्फ टेस्ट का अखराजात होते हैं। तो ये 25-30% जो है हेल्थ के अखराजात में इजाफा होगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये कौन सा विजन है, ये कौन सी सोच है जिसके साथ इस बजट को लाया गया है। इसी तरीके से जो है वो जो एक सेहत सहूलत प्रोग्राम था जो फेडरेटिंग यूनिट्स की जिम्मेदारी हुकूमत लेती थी उससे भी वो फारिग हो गई है। तो अब जो है गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और दीगर, चले इस्लामाबाद में तो आपके पास जो है पिम्स हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक है, लेकिन थरपारकर यहां पे फेडरल हुकूमत ने बोला हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब हम फारिग हैं। तो बात यह है कि आपने फरागत ही हासिल करनी है तो फिर आप ये इतने जो है किताबचे ना शाया कराते। आप वैसे कहते हैं IMF को कि जी हमने आपके साथ जो है वो वायदा कर लिया और बोझ हम डालेंगे आवाम के ऊपर। हेल्थ के बाद मैं एग्रीकल्चर पे जरूर बात करना चाहूंगी। मेरे तमाम जो है इधर जो कोलीग्स हैं उन्होंने बात की है, तो मैं सिर्फ वजीर आजम से एक मासूमाना सवाल पूछना चाहती हूँ। वजीर आजम साहब, इतना बड़ा वीट का स्कैंडल हुआ, फूड सिक्योरिटी इज द नेशनल सिक्योरिटी इशू, आपने जो है एक इंक्वायरी करवाई और उस इंक्वायरी के बाद आपने चंद अफसरान को मुअत्तल किया जो यकीनन कल बहुत अच्छे ओहदे लेके कहीं और बर्जुमान होंगे। मुझे बताएं आपने रिकवरी क्या की, आपने फार्मर्स को कंपनसेट क्या किया, आपके पास क्या विजन है एग्रीकल्चर का। अब आप हर चीज की कीमत बढ़ा दें, आपका मकसद यह है कि जरात को आपने खत्म करना है, फिर उसको कहते हैं कि जी वी आर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, ये जरात जो है वो रीढ़ की हड्डी है। बात यह कि खोखली बातों पे कैसे यकीन करें, क्या वजीर आजम साहब ने कोई उम्मीद दी है इस कौम को। वो खोखली बातें कि कपड़े बेच के जो है वो लोगों को रिलीफ देंगे, नहीं चाहिए लोगों को। आपके जो कॉल में और आपका जो कंडक्ट है उसके अंदर कुछ तो चीज कॉमन होनी चाहिए, लेकिन आपके कॉल ऑफ फेल में भी जो बहुत तजाद है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट SIFC का जिक्र हम रोज सुनते हैं, यहां पे हम कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। पिछले 24 साल से जो एवरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रही FDI वो थी $2 बिलियन और इस दफा जो रखा गया है तखमीना जो लगाया गया है इट इज $1.56 बिलियन। यानी हुकूमत तो खुद ही मायूसी है, उन्होंने खुद ही फेलियर डिक्लेयर कर दिया अपनी पॉलिसीज का। क्या कोई परफॉर्मेंस ऑडिट किया है, क्या ये देखा है कि ये फेलियर्स की वजह क्या है, क्या ये सोचा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों कम होते हैं, हमारी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों कम होती है, क्या कोई क्वालिटी अश्योरेंसेस, कोई सर्टिफिकेशन इस पर गौर किया है। नहीं, ये तो गौर नहीं करना ना। IMF ने हमें ये नहीं कहा, IMF ने हमें बिल्कुल नहीं कहा कि आप जो है कोई इस चीज पे भी गौर करें कि वेयर यू फॉल शॉर्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस। ये जो इतनी बड़ी अफसरे शाही है जिसको तमाम मराहत हासिल है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, वो तो बिल्कुल, इसलिए क्या उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो IMF की शराइत पे अमल करना है। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, ओलेक्स कंपनी बना दिए, सब बेच दो। बात यह है कि एक तरफ तो वजीर खजाना कहते हैं कि वो सिंध से बड़ा मुतासर है, हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बड़ा मुतासर है, अब कहते हैं कि जी सब बेच दो से मामला हल नहीं होंगे। मैं PII के बारे में आपको याद कराऊं कि 2009-2010 में ना सिर्फ PII ने रिकवर किया बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया। 2011 में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तजवीज पेश की कि हम जो है रूट शेयरिंग के ऊपर जाते हैं ताकि PII की टिकट के ऊपर लोग कैनेडा और यूरोप और वेस्ट में भी जा सके, लेकिन उस वक्त तो मुखालिफत जिन्होंने की, उन्होंने बाद में एक बजट एयरलाइन के साथ मुआहदा करके उनका अमला भी लेकर आए और PII की तबाही का आगाज किया। और उसके बाद जो यहां पे PTI के द्वारा हुकूमत में हुआ उस पर तो मैं क्या कहूं कि आपने वो एयरलाइन जिसने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस बनाई, आपने बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी आपने जो है वो खत्म कर दी। फिर उसके बाद जो है मैं ये बात करूंगी, एक मिनट मुझे दो मिनट वाइंड अप कर ले। देखें बात यह है कि इकोनॉमिक विजन के ऊपर मुझे बात करना है तो मैं ये जरूर बात करूंगी। आप इकोनॉमिक विजन को देखना है तो आप सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पूछें। मैं ये बताऊंगी कि CPAC का इनिशिएटिव वाज़ इकोनॉमिक विजन जो पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे ले जा सकता था, जिन्होंने उन मंसूबों को डिले किया, वो फेलियर उन हुकूमत पे जाता है। इसी तरीके से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाज़ अ विजनरी इनिशिएटिव, जो उस पर तकमील ना करा सके ये उनका फेलियर है। इसी तरीके से GSP+ का हसूल वाज़ इकोनॉमिक
जो है इनिशिएटिव एक रोड शुक्रिया शुक्रिया